हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे दोस्तों आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या होता है कि जैसे कि ऑनलाइन कोई शॉपिंग हो गया आपसे और दोस्तों गलती से कोई पेमेंट ऑप्शन में कुछ गलती से आप लोगों को कुछ क्लिक हो जाता है तो दोस्तों आपका सारा अकाउंट का पैसा जो होता है वो पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को इसी के बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं यहाँ पे पाँच ऐसे कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ जो कि ऑनलाइन आप लोग जैसे कि कुछ भी सामान खरीदते हैं या दोस्तों ऑनलाइन मतलब खरीदारी करते हैं वो पूरी तरह इस वीडियो में आप लोग को बताने को पाँच क्या चीज़ें आप लोग को सावधानी बरतने वाले हैं और उसको मैं आप लोग को साइड में स्क्रीन भी दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या आप लोग को करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो दोस्तों ऑफिशियल जो वेबसाइट होता है जो ऑफिशियल वेबसाइट हो गया जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या पेटीएम हो गया, दोस्तों ये जो रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं इनसे आप लोग खरीदारी करते हैं तो दोस्तों एक मतलब एक हिसाब से सही है दोस्तों। लेकिन इससे ही रिलेटेड जो भी जानकारियां भी आती हैं जो कि आप लोगों को कुछ अलग इससे मिल जाएगा जो कि वहाँ पे धोखाधड़ी चलते रहते हैं जैसे ऑनलाइन मतलब यहाँ पे बेचने और खरीदने के लिए यहाँ से ऐसे आप लोग को 100 प्लेटफॉर्म मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग को धोखाधड़ी से या दोस्तों मतलब यहाँ से कोई भी उसमें से 100 में से यहाँ पे दोस्तों 4% या 5% है जहाँ पे आप लोग को कंपनियां सही मिलती हैं जहाँ पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में यही था कि ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप लोग सामान अपना जो भी ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर करते हैं उसको वहाँ से खरीदें, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग फेक साइट से बचें। मतलब दोस्तों फेक साइट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे कोई भी गूगल में आप लोग सर्च करते हैं www.in या www.amazon.in या flipkart.in या दोस्तों हो गया paytm.in, तो दोस्तों इसके रिलेटेड कई अगर ओपन करेंगे तो इसके रिलेटेड कोई भी ऑप्शन उसके नीचे जैसे एक तो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा और दूसरा जो वेबसाइट यहाँ पे खुलता है वो मतलब यहाँ पे दो नंबर का खुलता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो भी जानकारी मतलब बता रहा हूँ तो उससे आप लोग कुछ आइडिया ले सकते हैं या और दोस्तों जानकारी अगर नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों आप लोगों को अगर लिंक चाहिए तो हमसे यहाँ से कमेंट करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कैश ऑन डिलीवरी सबसे सेफ मतलब होता है या दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर आप लोग के लिए सेफ होता है। तो मेरा कहना है दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों कि आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी सेफ रहता है। ऑनलाइन के मतलब बहुत लोग को दोस्तों ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, यहाँ पे जैसे कि गए सामान कोई लिए और दोस्तों जैसे कि मतलब यहाँ पे मतलब जैसे सामान कुछ भी खरीद लिए और दोस्तों अपना एटीएम दे दिए हैं वहाँ पे दोस्तों अपना कोड दे दिए, लेकिन दोस्तों वो भूल जाते हैं कि वो मतलब उसका एटीएम सेफ भी होता है और मतलब उसका मतलब कोई भी वेबसाइट होता है वो सेव करता है तुरंत। लेकिन दोस्तों इस सब चीज़ से बचे, लेकिन ये मैंने बोलूँगा कि ऑनलाइन डिलीवरी करें क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन आप लोग जैसे कि ट्रांजेक्शन कर देते हैं और दोस्तों आप लोग का एटीएम का होता है कोड होता है वो सब इसमें सेव हो जाता है। इससे बेहतर आइडिया यही रहेगा कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करें। क्यों करें दोस्तों कि कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपका बंदर कोई भी सामान लेकर आपके घर आता है और दोस्तों उसको पैसा तुरंत आप देते हैं और सामान को भी चेक कर सकते हैं, अगर खराब है अच्छा है तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा कैश ऑन डिलीवरी, इसका बेस्ट आइडिया रहेगा। तो अगर चौथे नंबर की बात करूं तो सेफ डिटेल हमेशा को नोट ट्रिक करें। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट से आप लोग करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जैसे कि हमारे साइड की स्क्रीन में दिया था, ये ऑप्शन जरूर आता है जहाँ पे यस और नो का ट्रिक आप लोग को लगाना होता है। तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे मैं आप लोग को बोलूंगा यहाँ पे नो ही ट्रिक लगाएं क्योंकि दोस्तों मैं तो जैसे कि आप तीसरे नंबर पर ही बता दिया कि अगर सबसे बेहतर आइडिया रहेगा तो आपको कैश ऑन डिलीवरी रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मतलब ज़्यादा सीनियर या मतलब होता है ना कि सीनियरिटी दिखाने के लिए दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भी करते हैं तो दोस्तों उससे आप लोग को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरे तरफ से कराया रहेगा कि यहाँ पे हमेशा आप लोग नो ट्रिक करें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। पांचवें नंबर की अगर बात करूँ यहाँ पे तो पांचवें नंबर पर यह आता है कि लेवल जो किसी भी जैसे वेबसाइट से खरीदते हैं अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया या दोस्तों अन्य किसी भी वेबसाइट से आप लोग खरीदते हैं जैसे मैं पहले ही मैं बता दिया कि यहाँ ऐसे आप लोग को 100 वेबसाइट मिल जाएगी या 100 एप्लीकेशन मिल जाएगी यहाँ पे जिससे आप लोग ऑनलाइन रिलेटेड जानकारी मतलब दोस्तों ऑनलाइन रिलेटेड खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि कोई भी वेबसाइट से आप लोग खरीदिए उसका लेवल जैसे amazon.in जैसे इसका भी आप लोग को साइड स्क्रीन दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ पे अमेजन का स्टिकर लगा रहता है, फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो फ्लिपकार्ट का लगा रहता है, पेटीएम से खरीदेंगे तो पेटीएम मतलब रहता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी मतलब यहाँ पे जैसे जितनी भी मतलब आप जो भी आप लोग को पसंद है जिस पे आप विश्वास करते हैं कोई भी कंपनी से आप खरीदें तो उसका लेवल जरूर चेक करें। तो दोस्तों मतलब ये जितनी भी पांच ट्रिक आप लोग को बताया, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों मैं हो सकेगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, मैं पूरी तरह इस वीडियो में मतलब इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया कि पाँच अपने ऐसे
फेक आईडी से कैसे बचता है, तो मैं आप लोग को बता दें कि कैसे डिलीवरी कैसे करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग अपने मतलब कि कैसे शॉपिंग करते हैं, कौन सी साइट पर, मैं साइट का भी बता दूंगा, पेटीएम से बता दूंगा दोस्तों, अमेजन से बता दूंगा, फ्लिपकार्ट से बता दूंगा, पूरी मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।